पेंशन हो गई, पेंशन दुआ रहे हैं जो लोग अनशन पर हैं, सभी पेंशन चल रहा है। ये 10 जून से अंतिम है, पहले 5 दिन का अंतिम हुआ, फिर लगातार ये समित अंतिम में बैठे हैं लोग हैं। जैसा कि मालूम है कि हमारे भोपाल गैस फ्लीट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, आंदोलनकारी नेता हैं और खास करके एनजीओ के लोग, वो काफी दिन से आंदोलन कर रहे हैं और हमारे सभी साथी यहाँ मौजूद हैं। हमारे बगल में सतीनाथ शरण जी हैं और रचना हैं, ये सब लोग इरफान भाई हैं, तो और सब इनके साथ में यहाँ आंदोलनकारी अनशन पर बैठे हुए हैं। तो काफी दिनों से इनका आंदोलन जो है चल रहा था और ये हमें इस बात का दुख है कि 1984 में 84 में ये भोपाल गैस कांड हुआ और उसके बाद जो है अभी तक लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है, लेकिन उसमें कुछ मामला कोर्ट के पास में लंबित है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास में लंबित है, इसलिए हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे। जो मुद्दा था, इनका डिमांड था, उस डिमांड को लेकर के और प्रधानमंत्री ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का एक जो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कायम किया अर्जुन सिंह की अध्यक्षता में, और उसमें जो इनकी मुख्य मांगे थी, जो समस्या था, उस पर हम लोगों ने सकारात्मक निर्णय लिया है। पहला इनका सबसे जो मुख्य मुद्दा था, वो मुख्य मुद्दा था कि एक इम्पावर्ड कमीशन बनाया जाए। इम्पावर्ड कमीशन का मतलब है कि कमीशन तो होता है, रिकमेंड करती है, फिर सरकार माने या नहीं माने, लेकिन इम्पावर्ड कमीशन का मतलब है कि जो निर्णय हो गया है उस निर्णय को, वही निर्णय सरकार का निर्णय हो गया और उसको हम लोगों ने सैद्धांतिक रूप से जो जीओएम ने उसको मान लिया है। अब जो है उसको हमने स्टेट गवर्नमेंट के पास में भेजा है कि आप जो कमीशन के लिए जमीन है, ऑफिस वगैरह का और सारा चीज़ का कैसे क्या होगा, उस संबंध में हमने उनको कहा है कि आप इसकी व्यवस्था करके हमको तुरंत कह देंगे बदलाव, और बाकी मॉडलिटी जो वगैरह बाद में अपना देखा जाएगा, लेकिन मेन जो डिमांड इनका था कि पावर कमीशन हो, उसको सरकार ने स्वीकार कर लिया। दूसरा जो है इनका ये भी था कि दाऊ कंपनी के द्वारा जो है 4 कीटनाशक दवाइयाँ था जिसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया था, और ये आरोप लगा था कि कृषि मंत्रालय, क्योंकि वो जो कीटनाशक दवाई है, इंसेक्टिसाइड्स है, वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री द्वारा रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, तो उसमें था कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था कि कुछ जो है अधिकारियों से दे दिया गया है, उसको कृषि मंत्रालय ने CBI को सौंप दिया है, कि जांच को CBI को सौंप दिया है। तो उसके अलावे रिहैबिलिटेशन के लिए यहाँ इन लोगों की मांग चल रही थी, राज्य सरकार से हम लोगों ने कहा था कि उसका एस्टिमेट बना करके दीजिए, और राज्य सरकार ने जो है 982 करोड़ रुपये का जो है कहा है,
हमने राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा है उसको हम लोगों ने भेज दिया है प्लानिंग कमीशन के पास में, और प्लानिंग कमीशन जो ही आ जाएगा हम उसको जो है जीओ एम में ले जाएंगे। एक मामला और है, कचरा का मामला है। क्या आप जानते हैं वहाँ तीन तरह का कचरा है? एक कचरा है जो इकट्ठा करके एक जगह बांध के रखा हुआ है, दूसरा कचरा है जो अभी भी स्ट्रक्चर बना हुआ है जो खड़े हैं, तीसरा है जो जमीन के नीचे का कचरा है। इन तीनों कचरा का सफाई होना चाहिए। इसके संबंध में मामला कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि जो एनजीओ का मांग था और जो हम लोगों का भी कहना था कि एनजीओ का मांग था कि जो डाउ कंपनी है या क्लीनियर कार्बाइड है इनको 100 करोड़ रुपया जमा करना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि हम इस फैसला को बाद में करेंगे, देख रहे हैं हु इज रिस्पॉन्सिबल, यूनियन कार्बाइड रिस्पॉन्सिबल है कि डाउ केमिकल रिस्पॉन्सिबल है, जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उनको 100 करोड़ रुपया हमको जुर्माना के रूप में लगाएंगे, लेकिन कचरा का काम रुके नहीं, इसलिए इस कचरा को राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की जवाबदेही है कि कचरा को तुरंत जो है वहाँ से हटाया जाए, और इसके लिए 50% राज्य सरकार और 50% केंद्र सरकार को पैसा देना था। 100 करोड़ रुपया वहाँ 100 करोड़ रुपया अवेलेबल है, जमा है। अब उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कौन एक्सपर्टाइज, क्योंकि आम कचरा नहीं है कि यहाँ से वहाँ उठा करके फेंक दिया जाए। तो इस बीच में एक नया डेवलपमेंट हुआ कि रतन टाटा ने एक ऑफर दिया कि जो 100 करोड़ रुपया जो है जो दाऊ कंपनी को देने के लिए कह रहे हैं या उनको कहने के लिए कोर्ट में मामला है, उस कोर्ट के मामला को सरकार वापस करे और हम 100 करोड़ रुपया और भारतीय कंपनी मिल करके हम कचरा उठाने के लिए देंगे। ये मामला हमको स्वीकार नहीं है, क्योंकि ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट फैसला करेगा। ये हमारा काम नहीं है फैसला करने का, यदि टाटा को देना है तो टाटा अलग से पैसा दे, लेकिन इस कंडीशन के साथ में कि दाऊ केमिकल्स या कोर्ट से मामला या यूनियन कार्बाइड के खिलाफ में कोर्ट का मामला हटा करके और हम उनको क्या करते हैं कंडीशनल क्या करते हैं कि ऑफर दे रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा पैसा की कमी नहीं है, 100 करोड़ रुपया वो देंगे तो 100 करोड़ रुपया पहले से ही जमा है, कैसे उसको कचरा का उठाया जाए इस प्रक्रिया पर विचार किया करने की हो रहा है। तो ये कुल मिलाकर के 4-5 जो है मुख्य मांगे की और भी है, पानी उनी का वो सब तो है, लेकिन मुख्य मांगे इनका था इम्पावर्ड कमीशन क्या करने की होना चाहिए, और ये जो 2-3 है मांगे थी मैं समझता हूँ कि सारी मांगों को भारत सरकार ने यूपीए की गवर्नमेंट ने जो है वो जीओ या बैठा करके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को बैठा करके और उस पर क्या करने की निर्णय ले लिया है, और मैं समझता हूँ कि जो हमारे भाई बहन हैं सब लोग हमारे गरीब परिवार के हैं, हम लोग एक ही परिवार के हैं, तो अब इनको कष्ट में कष्ट ज़्यादा झेलना नहीं चाहिए। इन्होंने ये कि जो है बहुत ही गरीब के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है, उसके लिए हम इसको धन्यवाद देना चाहते हैं। सिकाई अपना जो गरीब का काम है वो जारी रहेगा, लेकिन जो यहाँ सब लोग जो है अनशन पर बैठे हुए हैं और काफ़ी दिनों से अनशन, महीनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, तो हम इनको रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि आप अनशन को क्या करते हैं छोड़ दीजिए, और अभी जो है हमने नियम को यह है कि जूस पिला करके तोड़ा जाता है, लेकिन हमने मिठाई खिला करके तोड़ दिया है। तो एक बार फिर से जो है बहुत बहुत धन्यवाद है, और हमारे जो 2-3 नेता हैं यूनियन के बहुत इन्होंने काम किया है, लगातार हम लोगों को भी ये तंग करते रहे हैं और हाँ और परेशान करते रहे हैं, और इनको भी काफ़ी परेशानी हुई है, इन लोगों को भी हम लोग मिठाई खिला करके जो है धन्यवाद देते हैं। लीजिए आ जाओ रखना छुट्टी, और कहाँ वो कहाँ है नसीम भाई, कहाँ है सब कुछ।